Hello everyone, this is Prashant Shrivastava, Affinity Education Consultant. Guys, as a student, आपके मन में कई सारी queries होती हैं, और उनमें से सबसे बड़ी query ये होती है कि कौन सी country best है MBBS करने के लिए. And हमारे पास ऐसी कई सारी queries आती रहती हैं, students ये पूछते रहते हैं हम लोगों से कि सर किस country को choose करें MBBS के लिए, क्योंकि हर country के अपने कुछ pros and cons हैं कि जहाँ पर हर company या हर country आपको कुछ benefits भी देती है तो कुछ वहाँ पर आपको losses भी देखने को मिलते हैं. ये एक बार में डिसीजन नहीं लिया जा सकता कि कौन सी बेनिफिट बेस्ट कंट्री है आपके लिए, क्योंकि बजट इशूज भी रहते हैं, एंड क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि सपोज वहाँ पर आपको एडमिशन लेना चाह रहे हो, टॉप कॉलेज है भी लेकिन बजट में इशू आ रहा है, तो ये कुछ फैक्टर्स मैटर करते हैं. इट्स नॉट ईजी कि आप एक बार में डिसीजन ले लो, लेकिन इस वीडियो में मैंने वो कुछ पॉइंट्स को जिक्र किया है जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा. तो सबसे पहली चीज़ अगर बोलूँ तो आप इजली अपनी सीट को रिजर्व करा लो, जो कि जिसका एक ही पैसा आपको निकलना है. अगर आपको लगता है कि वो कॉलेज का आपको एडमिशन लेना है एंड ये चीज़ मेरे लिए बस बेस्ट है, आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ के रखा है, तो आपको विदाउट एनी सीट या सिंगल पैनी आप इजली उसको बुक करा लो अपनी सीट, एंड जब भी उसके फुलफिलमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो इजली आप इसे कनेक्ट करके आप कर सकते हो. चूज हायर ग्रेड यूनिवर्सिटी एंड नॉट टू बाय द लो कॉस्ट एजुकेशन. हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप देखो, इसकी जो यूनिवर्सिटी की रैंक है, क्योंकि रैंक ऑब्वियसली चीज़ देखिए फैक्टर पैटर्न करता है, और कॉस्ट अकॉर्डिंग आप कॉलेज को मत छोड़ो, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है. अगर ऊपर नीचे कुछ हो रहा है तो आप उसको जरूर एडजस्ट कर लो, और कॉलेज के साथ कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो. उसके बाद अगर आपको कभी कोई डाउट है तो आप हम लोग से भी कनेक्ट हो सकते हो या किसी कंसल्टेंट से भी कनेक्ट हो सकते हो जो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता होता है कि किस कॉलेज में क्या स्कोप है, एंड हमारे साथ यूजुअली स्टूडेंट्स कनेक्ट होते हैं तो और कनेक्ट होते आ रहे हैं फॉर द पास्ट ईयर से, तो जहाँ पर हमको पता है कि फ्यूचर क्या है. अगर कोई कॉलेज आपके अकॉर्डिंग है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको पता भी नहीं, आप अवेयर भी नहीं हो पा रहे उस चीज़ से, लेकिन हम कुछ कॉलेज ऐसा आपको सजेस्ट जरूर करते हैं कि जहाँ पर आपको हेल्प करता है गाइडेंस वाइज भी, एजुकेशन वाइज भी, लेकिन कॉस्ट होती है एंड बजट में कोई इशू नहीं रहता है, फूड वगैरह आपको प्रॉपर मिलता है, तो ये कुछ फैक्टर्स हम लोग को पता होते हैं, आप इसलिए हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं. तो अगर आप स्टार्टिंग में दो पॉइंट नहीं समझ पा रहे हैं इसमें कंफ्यूजन है तो आप हमारे जैसे किसी कंसल्टेंट से जरूर कनेक्ट करें, एंड अगर अपने आप से देख रहे हो तो भी आप यूनिवर्सिटीज की रैंक पे जरूर देख लें कि क्या रैंक है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की, एंड ये कुछ चीज़ें हैं. और उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ स्टडीज की, आपको कितना पैसा पढ़ाई में लग रहा है, खाने में लग रहा है, लिविंग कॉस्ट कितनी आ रही है, तो ये कुछ आप ये फैक्टर भी आप जरूर ध्यान रखें. और अदर कॉस्ट है लाइक कि जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, रेजिडेंट परमिट एक्सटेंशन, टेक्स्ट बुक्स, स्टेशनरी, सो ये कुछ और फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए. और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअल डेडलाइन ऑफ एप्लीकेशन, सिंस द सीट गेट फिल्ड अप मच फास्टर एंड अर्लियर देन वन अनाउंस बाय द यूनिवर्सिटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप जरूर ध्यान में रखें. तो ऑल ओवर यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है. अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, आप कॉलेज के बारे में नहीं समझ पा रहे हो, नहीं जान पा रहे हो, तो आप हमसे जरूर कनेक्ट करें या कमेंट बॉक्स को यूज करें, हम आपका वहाँ पे डिलीवर करेंगे, आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व करेंगे. एंड इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो कॉल अस और मेल अस ऑन द गिवन मेल आई डी और एट देन. थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.